हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम आल्सो गुड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो है एक खासू प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, वो है ये प्रोजेक्ट। तो आप लोगों को देखकर समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये भाई क्या चीज़ है और ये चीज़ भी क्या है। और ये तो आपको देखकर थोड़ा सा समझ आ रहा है कि ये एक लाइट है, वो भी ग्रीन कलर का। आपको देखकर शायद समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ क्या बनने वाली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मैं इस तरीके का एक नॉन कटिंग बोर्ड ले आया हूँ। उसमें जो है मैं एक छोटा सा होल कर कैंची के मदद से उसमें जो है तिरंगा का जो मतलब जो क्या बोलूँ मतलब जिसमें जो तिरंगा फिक्स होते हैं उनका जो है एक यहाँ पे स्टैंड लेकर आया हूँ। स्टैंड कहती से जो हम हमारे साइकिल या बाइक पे लगाते हैं वो वाला तिरंगा, कुछ इस प्रकार का जो है तिरंगा मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। ये वाला तिरंगा जो है इसके अंदर फिक्स हो जाता है। आप बाइक या साइकिल पे लगाते हो तो उसे जो है मैं यहाँ पे होल करके इसके अंदर से जो है इसे बाहर निकाल के इसका जो है नीचे का वाला जो हिस्सा है उसे मैंने कट कर दिया। और यहाँ पे जो नॉन कटिंग बोर्ड है उसमें जो है मैंने एक 9 वोल्ट का बैटरी लगाया है और यहाँ पे जो है एक कनेक्टर लगाया है। तो जो कनेक्टर का जो है एक मतलब पॉइंट जो है यहाँ पे HDST स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये HDST स्विच जो है आपको यहाँ पे जो है इस नॉन कटिंग बोर्ड को काट के इसके अंदर जो है आपको ये वाला स्विच फिक्स करना है। जो मैंने इमरजेंसी लाइट बनाया था उस वीडियो में मैं आपको जो है डिटेल्स में बताया था, तो आप जो है उस वीडियो को चेक कर लेना। अगर संभव हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो जो भी हो ये था। और यहाँ पे जो है मैंने पूरा कनेक्शन जो है कॉम्प्लीट नहीं किया है आप लोगों को दिखाने की वजह से। तो ये जो है ये काफी अच्छा एक प्रोजेक्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है ये वाला वायर को थोड़ा सा जो है छील लेना है आपको कुछ इस प्रकार। ये वाला वायर को कुछ इस प्रकार आपको जो है छील लेना है। तो यहाँ पे जो है इसको मैंने कुछ इस तरीके से फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे जो है ब्लैक टेप रैपिंग कर दिया है। या आप पीवीसी से टेप कर सकते हैं, ये वाला टेप जो होता है। तो जो है मैंने पूरा यहाँ से जो है रैपिंग कर दिया। और यहाँ पे जो है ये जो है थोड़ा सा गलत कटिंग हो गया था यहाँ, तो यहाँ पे जो है मैंने ब्लैक टेप रैपिंग करके इसको जो है मेकअप कर दिया है। और यहाँ पे जो है स्विच काफी अच्छे तरीके से फिक्स हुआ है। तो आपको क्या करना है इसका कनेक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो कनेक्शन करने के लिए जो है मैं यहाँ पे जो है ये वाला वायर को मतलब ये लाइट का वायर को थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। तो इसको जो है यहाँ से आपको फिक्स करना है ताकि ये इसमें ना लगे। तो इसे जो है मैंने इस तरीके से फिक्स कर लिया। यहाँ पे जो है इसका जॉइंट पे जो है ब्लैक टेप रैपिंग कर दे। ओ भाई ये ब्लैक टेप निकल गया, देख सकते हो। तो आपको जो काफी अच्छे तरीके से इसको जो लगाना है, नहीं तो ये इसके तरफ निकल जाएगा, जो कि मेरे साथ अभी अभी हुआ है। तो मैं आपको जो है पूरा कनेक्शन कम्प्लीट करने के बाद आपको जो है पूरा का पूरा समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो मैंने इसका जो है पूरा का पूरा कनेक्शन जो है इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इसको जो है कंप्लीट करने के लिए मैंने जो जो मतलब जो कनेक्शन किया वो मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले मैंने क्या किया, जो इसका जो ये वाला सिस्टम है इसके साथ जो है मैंने ये मतलब ये वाला जो है नेगेटिव के साथ जो है मैंने स्विच को कनेक्शन कर दिया। नेगेटिव का वायर के साथ नेगेटिव का वायर जो है उसके साथ मैंने जो है स्विच का कनेक्शन कर दिया। मतलब लाइट का नेगेटिव प्लस जो है बैटरी का नेगेटिव वो मेरे स्विच में है, स्विच के दोनों तरफ। तो ये हो गए मेरे मतलब इसका कनेक्शन। और यहाँ पे जो है लाइट का जो है प्लस और प्लस यहाँ पे बैटरी का प्लस के साथ है, ठीक है ना। तो आपको जो है पूरा कनेक्शन शायद समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही सिंपल इसका कनेक्शन है, आप तो कोई भी जो इसे घर में बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। तो मैं जो है इसे एक्स्ट्रा सेफ्टी देने के लिए यहाँ पे जो है एक डबल टेप का टुकड़ा लिया हूँ और इसे जो है इसका जॉइंट को यहाँ पे चिपका दिया हूँ। और मैं जो है एक दूसरा बार जो है मैं यहाँ पे डबल टेप का जो है एक टुकड़ा लूंगा। डबल टेप का टुकड़ा मैं क्यों ले रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो है यहाँ पे इस डबल टेप को मैं दो साइड से लगा रहा हूँ मतलब लगाऊंगा। तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये क्या क्यों लगाया है ये मतलब डबल टेप का इतना सत्यानाश क्यों कर रहा है। भाई मैं सत्यानाश नहीं कर रहा हूँ इसका। तो जो भी हो इसे इस तरीके से लेते हैं और इसके जो जॉइंट्स है ये जॉइंट्स आपस में इस तरीके से ब्लैक टेप बना है। इसके लिए मैं जो है यहाँ पर इस तरीके से डबल टेप फिक्स कर देता हूँ।
तो मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है पर मुझे सोल्डरिंग करना उतना अच्छी तरीके से आता नहीं, तो मैं इस तरीके से स्विच का कनेक्शन करता हूँ। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे जो है ब्लैक टेप का छोटा सा हिस्सा जो है काट लीजिए, और काटने के बाद क्या करिए इसे जो है पूरा का पूरा इसमें कवर कर दीजिए, ठीक है ना। तो मैं इस तरीके से इसको कनेक्शन करता हूँ, तो मेरा कनेक्शन जो है पूरा प्रॉपर तरीके से हुआ है। देखिए मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, ये लाइट भी ऑन हो रहा है, कोई फेक वीडियो नहीं है, देख सकते हो। तो ये कुछ होगा तो हम तो हमारा जो कनेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको इसके साथ फ्री में स्क्रूज मिल जाते हैं, तो इसको जो है मैं एक छील लेता हूँ यहाँ पे, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये है कुछ हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं जो आपको नाइट टेस्ट करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे जो है वीडियो अभी के अभी अपलोड करना है, तो इसके लिए जो मैं आपको नाइट टेस्ट नहीं करके दिखा सकता, पर जो है ये काफी अच्छा है। और यहाँ पे जो है मैंने इसे थोड़ा सा डिजाइन दे दिया है ब्लैक टेप से, काफी अच्छा लग रहा है। आप लोग तो देख सकते हो पूरा ब्लैक के अंदर मतलब इसका जो नीच का हिस्सा है वो व्हाइट है, और यहाँ पे काफी अच्छा जो है इसका डिजाइन बना है। यहाँ पे आपको स्विच लगा के दिखा देता हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है। इसका जो है प्रभाव आप रात में काफी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। यहाँ पे जो है तिरंगा कुछ इस तरीके का जो है तिरंगा आपको यहाँ पे टांग देना है, तो इसका इफेक्ट जो है आप रात में समझोगे। आप एक बार भाई बना के तो इसे देखो, तब आप लोग समझोगे कि ये चीज क्या है, ठीक है ना। तो इसे जो है आप जरूर बनाएगा, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप अपने भारत माता से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैंने बोला है। और जो है आप अगर भारत माता से प्यार करते हो तो आप जरूर इस प्रोजेक्ट को बनाएगा, क्योंकि ये काफी अच्छा तगड़ी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो आप इस प्रोजेक्ट को जरूर बनाएगा, और बस यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।